हेलो फ्रेंड्स, वेजी डिलाइट में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे पकौड़ा प्लेटर, जिसमें हम चार तरह के पकौड़े बनाने वाले हैं। ये मैंने दो ऑनियन पूरा अच्छे से कट कर लिया है, उसमें ग्रीन चिली भी स्लिट करके लिए है, अजवाइन डाला है आधा चम्मच और एक लाल मिर्च पाउडर डाला है एक चम्मच, और आधा चम्मच हम इसके अंदर मिलाएंगे नमक। तो ये हमने ऑनियन पकौड़े के लिए रेडी कर रहे हैं। इसमें हम एक बोल बेसन डाल रहे हैं, जिसे चिकपी फ्लावर भी कहते हैं, उसको हम इसके अंदर डालेंगे, लेकिन एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करेंगे, क्योंकि ऑनियन में अपने आप में पानी होता है। बोल मुझे थोड़ा छोटा लग रहा था, तो इसलिए हमने बोल को चेंज कर लिया और एक बड़ा बोल ले लिया। उसमें अब हम मिक्स करते जा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा और मिक्स करते जा रहे हैं, क्योंकि हमने टोटल एक बोल करीबन बेसन लिया है। ये दो बड़े ऑनियन हमने कट किए थे स्लाइसेस के अंदर, तो उसको अब हम इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा हम पानी का छींटा लेंगे, एक दो चम्मच, इसे ज़्यादा नहीं, ताकि बेसन अच्छे से पूरा ऑनियन के ऊपर लपेट सके, मतलब उसके ऊपर उसकी कोटिंग आ सके अच्छे से, ताकि वो पकौड़ा की शेप में प्रॉपर बन सके। तो ये मैंने ग्रीन चिली स्लिट करके डाली है, अगर आपको पसंद है तो आप ग्रीन चिली को बारीक कट करके भी डाल सकते हैं। अब इसे हमने बिल्कुल ऑयल को बहुत अच्छे से गर्म कर लिया था, उसमें हम इस तरीके से इसको हाथ से खोलते हुए डालेंगे कि ताकि ये अलग अलग फैल जाएं, और इसको अब हम अच्छे से डीप फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से ऑयल काफ़ी अच्छा गर्म होना चाहिए। ये देखिए, ये गोल्डन ब्राउन कलर के हो चुके हैं। अब हम इनको थोड़ा सा और होने देते हैं, उसके बाद में हम इनको, ऑलरेडी रेडी हैं ये, ऑलमोस्ट बिल्कुल प्यारा सा गोल्डन कलर आ चुका है, और इसको अब हम एक सेपरेट प्लेट में निकालेंगे। ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है इसका, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, और बहुत ही मज़े के स्वाद के, चाय के साथ बनाइए तो बहुत मज़े के लगते हैं। कभी कोई मेहमान आ जाए तो फटाफट से ऑनियन कट कीजिए और बनाइए। अब हमारा दूसरा पकौड़ा आ गया है, वो है गोभी का। गोभी को हमने इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में कट करके पानी में धो के रख लिया था, क्योंकि गोभी में थोड़ा कीड़ा होता है, तो उसको थोड़ा सा ब्लेंच करना पड़ता है, तो गर्म पानी में हमने उसको डाल के रखा था। अब हम उसको सेपरेट कर लेते हैं पानी से। ये देखिए, हमने एक बोल में उसको सेपरेट कर लिया है। अब हम उसके अंदर डालेंगे 3 चम्मच के करीबन बेसन, क्योंकि हमें बेसन की बहुत मोटी लेयर नहीं डालनी है, एक पतली सी लेयर उसके ऊपर आनी चाहिए। और 1 चम्मच के करीब हमने अजवाइन डाला है, 1 चम्मच रेड चिली पाउडर उसके अंदर डाला है, और 1/2 चम्मच के करीबन हम नमक डाल रहे हैं। नमक आप कम या ज़्यादा अपने स्वाद के अनुसार कर सकते हैं। ये देखिए, इसको भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे, और जहाँ हमको लगेगा ड्राइनेस हो रहा है, वहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा पानी के छींटे मारते जाएंगे। साथ ही हमने इसमें 1/2 चम्मच चाट मसाला का पाउडर भी डाला है, उसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी इसमें डालेंगे। आपको ये देखना पड़ेगा कि किस तरीके से कोटिंग अच्छे से कवर हो जाए, ज़्यादा पानी हमको नहीं मिक्स करना है इसके अंदर। ये देखिए, हमने ये भी बना के इसको भी हम रेडी करके एक साइड में रख देंगे। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि हम लोग इसमें थोड़ा सा बेसन और डालें, क्योंकि थोड़ा पतला लग रहा है, और हल्का सा पानी का छींटा लगा के हम कोटिंग को थोड़ा और थिक कर रहे हैं गोभी के ऊपर। ये हमने रेडी करके रख लिया है। ये देखिए, इसको हम साइड रख देंगे। अब दूसरे पकौड़े की तैयारी करते हैं, जो कि है पनीर का पकौड़ा। उसके लिए मैंने 200 ग्राम का पनीर लिया है हम लोगों ने, और उसको हमने इस तरीके से स्लाइस कर लिया है। आप जैसे चाहें वैसे शेप में कट कर सकते हैं, और उसके अंदर हम लोग डालेंगे 3 चम्मच बेसन। पहले हम 2 ही चम्मच डालते हैं, देखते हैं कि अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो और डालेंगे, लेकिन इसमें 3 चम्मच आराम से चला जाता है। 1/2 चम्मच हमने अजवाइन डाला है इसके अंदर, 1 चम्मच रेड चिली पाउडर को हम इसके अंदर डालेंगे, और हम इसमें 1/2 चम्मच के करीबन नमक डालेंगे और चाट मसाला पाउडर डालेंगे। इन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें भी हम सेम वही काम करेंगे कि हल्का सा पानी का छींटा लेंगे, लेकिन ज़्यादा नहीं, और बहुत सॉफ्टली हमें करना पड़ेगा, क्योंकि पनीर बहुत सॉफ्ट होता है, उसके पीसेस क्या है ना, टूट जाएंगे, तो प्रॉपर शेप में पनीर के क्यूब्स हमको नहीं दिखते। उसको हमको हल्के हाथों से मिक्स करना है, और उसको भी हम सेपरेटली रख देंगे। ये देखिए, हमने एक और पकौड़े का बैटर बना करके, मतलब मिक्स बना के तैयार करके रख लिया, तो हमारा गोभी का तैयार हो चुका है बैटर के साथ में, पकौड़े का बैटर, और हमने पनीर का रेडी कर लिया है। अब हम बना रहे हैं आलू का। तो हमने यहाँ पे 2 बड़े आलू लिए हैं, उनको इस तरीके से गोल गोल स्लाइस में कट कर लिया है, उसको साइड रखेंगे। अब हम एक खाली बोल के अंदर बेसन ले रहे हैं, 5 चम्मच हम इसके अंदर बेसन मिलाएंगे।
इसे ये देखिए इस तरीके से हम टेबल स्पून, 5 टेबल स्पून लेना है। और ये बेसन और इसकी क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग कीजिए, क्योंकि आपको पता चलेगा कि उस समय पे आप जब डाल रहे हैं तो थिकनेस वगैरह कैसी है, तो थोड़ा बहुत अप एंड डाउन ये चलेगा। इसमें हमने अजवाइन डाला, रेड चिली पाउडर डाला और उसके अंदर हम अब नमक डालेंगे और इन सभी मिक्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हम नमक डाल लेते हैं, सेम रहेगा। आप चाहें तो इसके अंदर और स्पाइस डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, बट मैं बिल्कुल सादे तरीके से हम लोग बनाने के लिए आपको बता रहे हैं कि कुछ ज़्यादा मिक्स हमें नहीं चाहिए, कुछ हर्ब्स नहीं चाहिए, मसाले नहीं चाहिए, कुछ भी फैंसी नहीं। बस घर में बेसन है, वेजीज हैं, आप बनाइए और मस्त प्लेटर तैयार कीजिए। ये देखिए ये बैटर रेडी हो चुका है। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा, जिससे कि बैटर थोड़ा फूल जाएगा और बहुत ही मज़े के पकौड़े बनते हैं इससे। ये सिर्फ हम गोभी के पकौड़े में डाल रहे हैं, उसको हम इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। इससे क्या होगा, थोड़ा सा बैटर हल्का हो जाएगा, फूल जाएगा। अब हम तैयार करेंगे पकौड़ों को, तलने की तैयारी शुरू कर देते हैं। ये देखिए इस तरीके से इस बैटर के अंदर हमने आलू जो स्लाइस करके रखा था उसको डिप किया और हाथ के हाथ हम उसको गरम ऑयल जो हमने कर रखा है कढ़ाई में उसमें डालते जाएंगे। ये देखिए ऐसे 1 by 1 आप एक एक स्लाइस लेते जाइए और उसको इसके अंदर डालते जाइए, अपने आप वो स्लाइसेस ऊपर आती चली जाएंगी। इसी तरीके से अब थोड़ा ध्यान रखिएगा, अपने हाथों का ध्यान रखिए, केयरफुली आप बनाइए, लेकिन ये जो मज़े के लगते हैं ना, चाय के साथ बनाइए, बहुत लाजवाब लगते हैं। एक तरह के नहीं, हम 3-4 तरीके के बना सकते हैं, तो इसके लिए मैंने आज आपको एक साथ 4 तरह के पकौड़ों का प्लेटर बनाने के लिए बताया है। इस तरीके से हमने एक बार जितना कढ़ाई में आएगा उतना हमने डाल लिया है। अब हम इसको प्रॉपरली पकने देंगे, उसके बाद में हम इनको टर्न करेंगे। ऑयल को आप बिल्कुल मीडियम हाई पे ही रखिए, स्लो मत करिए, वरना इस सारे सौगी सौगी से हो जाएंगे और फिर मज़े के नहीं आएंगे। हमें क्रिस्पी पकौड़े अच्छे लगते हैं, तो उसके लिए हमको गैस को तेज रखना होगा, गरम गरम ऑयल में इसको करना है। इस तरह से हम पलट पलट के इनको अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर में भून लेंगे। ये देखिए कितने बढ़िया पकौड़े बनके तैयार हुए हैं, उनका कलर ही देखने में इतना खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए अब हम इनको एक अलग से प्लेट में, जिसपे कि मैंने किचन टॉवल एक पेपर आप लगा लीजिए, पेपर नैपकिन, और उसमें हम इसको निकालते जाएंगे ताकि जितना एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो पेपर नैपकिन जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगा। इस तरीके से हम कर लेंगे सारे आलू के पकौड़े। अब हमने जो पनीर का रेडी करके रखा था मसाला बैटर, उसको भी हम एक एक करके ऐसे डालेंगे ताकि आपस में चिपके नहीं। थोड़ा आपको जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप सोचें हम इकट्ठा डाल देंगे तो वो आपस में चिपक जाएंगे। तो इस तरीके से आप इसको सेपरेट करते हुए ऐसे डालते जाएंगे। ये बहुत इजी वे है पकोड़े बनाने का, और उसको भी हम अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक इनको भूनेंगे, फ्राई करेंगे। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है और ये 1-time एक्टिविटी है। कई बार क्या होता है कि आप लोग दोबारा सब्सक्राइब करने जाते हैं तो वो अनसब्सक्राइब हो जाता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब एक ही बार करना है। और आप प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और आप हमें अपने कमेंट्स के जरिए बताइए आपको कैसा लगा हमारा, ये रेसिपीज़ कैसी लगती हैं, या कुछ नया आप बनवाना चाहते हैं तो वो भी बताइए। ये देखिए पनीर के पकौड़े मस्त बन के तैयार हो चुके हैं। अब हम इनको एक अलग सेपरेट प्लेट में किचन टॉवल के ऊपर मैंने निकाल लिया है। अब हमारा जो गोभी के पकौड़ों का हमने पूरा तैयार करके रखा था, उसको मैरिनेट किया हुआ था प्रॉपर बेसन के अंदर, वो भी हम इसको भी ऐसे सेपरेट करता हुआ हाथ से ऐसे अलग अलग करते हुए हम ऑयल के अंदर डालेंगे। ये देखिए, और सेम वे में हमें काम करना है, उसको डालते जाएंगे और गोल्डन ब्राउन होने तक हम उसे भूनते रहेंगे, इसको पलटते रहेंगे आपस में। मगर एकदम से जब डाला है ना उस समय हाथ मत लगाइए, वरना वो सब खराब हो जाता है। थोड़ा सा बेसन को ऊपर से पक जाने दीजिए और गैस की फ्लेम को हमेशा मीडियम हाई पे रखिए, और हमें बिल्कुल गोल्डन क्रिस्पी पकौड़े होने तक इसको भूनना है। ये देखिए कितने बढ़िया पकौड़े बन के रेडी हो चुके हैं, और एक आधा मिनट तक रुकेंगे। और ये देखिए अब हम इसको एक सेपरेट प्लेट में इसको भी निकाल लेंगे,
और हमारे चारों पकौड़े ऑनियन के, गोभी के, पनीर के और आलू के पकौड़े बनके तैयार हैं। इस तरीके से आप उन्हें से प्लेट में सजा लेंगे चारों को और चटनी के साथ, सॉस के साथ सर्व कीजिए। बाय बाय।